हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स सिविक्स की बुक का चैप्टर फाइव पंचायती राज। तो स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि क्या होता है जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर लेते हैं, मतलब लोगों ने अपने नेता जो है वो चुन लिए, उसके बाद क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है। तो हम लोगों को ना इस चैप्टर में पंचायती राज के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज यानी कि जो हम लोग ग्राम सभा वगैरह देखते हैं ना, पंचायत देखते हैं गाँव में कि वहाँ पर एक सरपंच होता है, बाकी पंच होते हैं, फिर एक ग्राम सभा बैठती है ना, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए, ये जो पिक्चर हमें दिखाई गई है ना, इसमें देखिए यहाँ पर ये पंच बैठे हुए हैं और ये जो है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। ये लोग जो है ये ग्राम सभा अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। तो ग्राम सभा जो होती है ना, वो मीटिंग होती है कि किन लोगों की, एडल्ट्स की, जो कि उस एरिया में रहते हैं। अब एडल्ट का मतलब होता है 18 ईयर्स या फिर 18 से जो ज़्यादा के लोग होते हैं ना, 18 या 18 की एज से ज़्यादा के जो लोग होते हैं वो ग्राम सभा को अटेंड करते हैं। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए आप एक गाँव में रहते हैं, उस गाँव वो काफ़ी बड़ा गाँव है या छोटा गाँव है। जब छोटे छोटे गाँव होते हैं तो ग्राम सभा दो तीन गाँव मिल करके बन जाती है, और एक बड़ा गाँव होता है तो उसमें जितने भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, जिन्होंने अपनी वोटिंग आईडी बनवा रखी है, 18 के हों या फिर 18 से ऊपर हो और इन्होंने अपनी वोटर्स आईडी बनवा रखी है, वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। तो जितने भी गांव में डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि सड़क बनवानी है या फिर कुआं खुदवाना है या फिर हैंडपंप लगवाना है या जो भी काम करवाने हैं, वो सारे के सारे ग्राम सभा में बैठ करके ही डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये देखिए, आज जो है काफ़ी स्पेशल दिन है और सब लोग ग्राम सभा की तरफ जा रहे हैं। तो आपको पता है कि मतलब क्या होता है। तो ग्राम सभा जो है इस समय इस गांव की जिसके बारे में बात की जा रही है, वहाँ पे ग्राम सभा अपनी पहली मीटिंग जो है अटेंड कर रही है। मतलब इलेक्शन हुए हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस के बाद जो है ग्राम सभा की पहली मीटिंग है। तो इसमें जो कौन सा विलेज है, हरदास, हरदास विलेज है, हरदास गाँव है, और नई पंचायत जो है उसकी ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करने के लिए काफ़ी लोग एक्साइटेड है। तो देख, पंचायत और क्या ग्राम सभा क्या होता है। देखिए, ग्राम सभा जो है वो तो एक मीटिंग होती है, ठीक है। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा में उस गांव के 18 से ऊपर के सारे लोग जो हैं वो आते हैं। और पंचायत क्या होती है, जब सारे के सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब लोगों ने वोट देकर के जो अपने पंच चुने हैं, जब पंच होते हैं और ग्राम सभा और बाकी सारे लोग होते हैं ना, तो वो पूरी की पूरी मिल करके हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको पंचायत बोलते हैं, ठीक है। जब उसमें पंच भी होते हैं, ग्राम सभा भी होती है, मतलब ग्राम सभा क्या होती है, गाँव के लोग जो 18 साल से ऊपर है जिनको वोट देने का अधिकार है, तो बस वही पंचायत बन जाती है। अब ग्राम सभा में क्या हो रहा है, ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट हुई तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब जो सरपंच होते हैं ना, उनको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, और बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पंच कहते हैं। पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये पांचों के पांचों जैसे कि पंच है, मगर इनमें से एक होंगे जो कि सरपंच होंगे, बाकी सारे पंच होंगे। तो ग्राम सभा की मीटिंग हुई है हरदास जो है विलेज में, और वहाँ पर सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, और इसमें ग्राम सभा में एक प्लान प्रेजेंट किया गया है कि भाई जो रोड है ना उसको रिपेयर करना है, जो गाँव को हाईवे से जोड़ती है। जैसे कि गाँव के आगे सामने से हाईवेज भी निकल रहे होते हैं ना, जैसे कि अंदर की तरफ गाँव है, फिर कुछ सड़कें हैं, फिर उन सड़क से जाकर के हाईवे पे आ रहा है। हाईवे मतलब जो पूरी नेशनल सड़कें होती हैं जो काफ़ी सारी जगह को जोड़ देती हैं। तो गाँव से और हाईवे को जाने वाली सड़क जो है उसकी मतलब मरम्मत करनी है, उसको ठीक से बनवाना है, रिपेयर करना है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। फिर उसके बाद डिस्कस किया जाएगा किसके बारे में, उसके बाद पानी के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि पानी की जो है गांव में कमी हो रही है। तो हर गांव में देखिए बॉक्सेस जो होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हर गांव में जो है विलेज पंचायत होती है, और जो है जैसे सपोज करिए, ठीक है, बहुत बड़ा सा कोई गांव है, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इंटू वार्ड्स। तो बहुत बड़ी पंचायत है, फिर बहुत बड़ा गांव है, तो उसको वार्ड्स में, वार्ड्स का मतलब होता है अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। यहाँ से पंच आएंगे, यहाँ से वार्ड मेंबर, अलग अलग जगह से फिर वार्ड मेंबर्स आते हैं। तो मतलब अगर बहुत बड़ा गाँव है तो उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे और उससे फिर पंच इलेक्ट होकर के आते हैं। सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं ना ग्राम सभा के, वो वोट देते हैं और अपने सरपंच को इलेक्ट करते हैं। मतलब ये जो हम लोगों ने हिस्से में बांटे थे, ठीक है, इसमें तो अपना अपना पंच चुनते हैं सब लोग, ठीक है, और ये सारे के सारे लोग मिलकर के सरपंच चुनते हैं, ठीक है। तो वार्ड पंच
एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, ठीक है, इन सबको इलेक्ट करते हैं. ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स. तो इलेक्शंस कितने साल के लिए होते हैं ग्राम पंचायत के? 5 साल के. हमारे देश में ना सारे के सारी जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, आप ये भी देख लीजिए, वैसे आगे चैप्टर में आएगा, फिर भी यहाँ पर भी समझ लीजिए, हमारे देश में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है. कितने गवर्नमेंट है हमारे देश में? हमारे देश में 3 लेवल्स है गवर्नमेंट के, ठीक है. सबसे पहले जो है वो होता है हमारा सेंट्रल लेवल, ठीक है. सेंट्रल लेवल जो हमारे मोदी जी हैं, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल होता है जो दिल्ली में सरकार होती है. मतलब दिल्ली की तो अलग सरकार है अपनी, मतलब पूरे देश की जो सरकार होती है ना वो सेंट्रल लेवल की सरकार होती है, वो टॉप पे होती है. फिर हमारे देश की जितने भी राज्य हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, वो आती है. फिर उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना, वही ये पंचायत होती है. अब लोकल गवर्नमेंट भी 2 तरीके की होती हैं. एक तो हमारी विलेज वाली होती है, जिसको हम लोग पंचायत बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं. दूसरी होती है हमारी शहरों की, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह जो होती हैं, जो सिटी के लिए होती हैं. तो ये 3 लेवल होते हैं हमारी गवर्नमेंट के. तो वही पंचायत के बारे में हमें बताया जा रहा है इसमें. तो ग्राम पंचायत में ना एक सेक्रेटरी भी होता है. सेक्रेटरी मतलब एक तरीके से एक सरकारी नौकरी होती है उस पर्सन की, वो ग्राम सभा में बैठता है. वो ग्राम सभा का जो है इलेक्टेड मेंबर नहीं होता, मतलब किसी ने इलेक्शन के थ्रू नहीं उसको चुना होता, बल्कि वो तो परमानेंट होता है. जैसे कि उसका एक तरह से नौकरी होती है ना, जैसे मान लीजिए टीचर की नौकरी या सरकारी गवर्नमेंट की नौकरी, इसी तरीके से सेक्रेटरी एक सरकारी नौकरी होती है. और वो जो भी ग्राम सभा में बातचीत हो रही है, कौन सी चीज़ पास हो रही है ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड करने का काम होता है ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी का, ठीक है. वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखता है सेक्रेटरी. अब उनकी लोग बात चल रही है, तो पहले सड़क की बात हुई, फिर उसके बाद पानी की बात हुई कि पानी की कितनी ज़्यादा कमी हो रही है. फिर वो बात करते हैं लोग कि हम लोग को कुछ करना पड़ेगा कि जो ग्राउंड वाटर है ना, हमारी जो ज़मीन का पानी है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है हर साल, और हम लोग पानी ज़मीन में से ज़्यादा निकाल रहे हैं. बजाय कि ज़मीन में जो बारिश की हेल्प से पानी जाता है ना, वो तो बहुत कम जा रहा है, बट हम लोग निकाल उसमें से ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब हम लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं. दूसरा मेंबर है एक अनवर, वो कहता है, हर किसी को बताता है कि उसने देखा है काफ़ी सारी तरीके जिससे पानी को बचाया जा सकता है, और ग्राउंड वाटर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर पानी जाए, इस बात को भी इंश्योर किया जा सकता है. वो कहता है कि महाराष्ट्र के एक गांव में, जहाँ पर वो एक बार गया था अपने भाई से मिलने, उसने देखा था वाटरशेड डेवलपमेंट. तो ये वर्ड जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटरशेड डेवलपमेंट, ठीक है. अभी समझेंगे क्या होता है. एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क. और उसने जो ये पर्सन होता है जिसका नाम क्या है, अनवर बताता है कि वो महाराष्ट्र में अपने भाई के पास एक बार गया था, तो उसके गांव में देखा उसने जा करके कि वहाँ पर वाटरशेड डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है और सरकार भी इसके लिए पैसा देती है. उसके भाई के गाँव में क्या हुआ था, उन लोगों ने जैसे कि गाँव के जो काफ़ी सारे खेतों के किनारे या काफ़ी सारे बंजर जमीन होती है, खाली ज़मीन होती है, तो वहाँ पर लोगों ने क्या करे, पेड़ लगा दिए. फिर उसके बाद चेक डैम्स और टैंक्स. चेक डैम्स क्या होता है, ये आपने गड्ढे खोद दिए, ठीक है, तो जब बारिश का पानी आएगा ना, तो मतलब गड्ढे खोद दिए और फिर उसके बाद क्या कर दिया, उसको किस चीज़ से ढक दिया, पत्थरों से ढक दिया, या फिर ऐसी चीज़ से ढक दिया कि मतलब मक्खी मच्छर ना बैठ जाए उसमें, बस उसमें पानी ही सीपिन होता जाए. फिर उसके बाद उन्होंने टैंक्स वगैरह बना दिए कि वहाँ पर जब ज़रूरत पड़े बारिश के मौसम के बाद, तो टैंक्स में पानी स्टोर करके रखने के लिए बना दिए. तो यही जो होता है वाटरशेड मैनेजमेंट होता है, कि आसपास पेड़ लगाओ. पेड़ लगाने से क्या होता है ना, कि पेड़ जो है ना, वो बहुत सारा पानी अपने जड़ों में सोख के रख लेते हैं और वो धरती को धीरे धीरे पहुँचाते रहते हैं. तो इससे पेड़ लगाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है. कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स बनवाए, टैंक्स बनवाए, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे उनके गांव में महाराष्ट्र में जिसकी अनवर बात कर रहा था, वहाँ पानी की कमी नहीं रही. अब ये आइडिया जो है पंचायत को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और उससे और आगे वो इसके बारे में पूछने लगे. फिर अब विलेजर जिसका नाम था तिजिया, उसने मतलब बिगेंस द मीटिंग. आगे वो कहता है, वाटर प्रॉब्लम जो है हरदासपुर में वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक. फिर एक्चुअली पता है क्या हो गया, एक गड़बड़ी हो गई, हमने ना ये वाली चीज़ पहले स्टार्ट कर दी. हम लोगों को ना एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से करना था, यहाँ से, इस जगह से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. बात वही है कि एक विलेजर का मतलब है गांव में रहने वाला पर्सन है, तिजिया, जो कहता है कि पानी की बड़ी दिक्कत हो गई है हरदासपुर में, और यहाँ का जो हैंडपम्प है वो काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ज़मीन के अंदर धंस चुका है, और जो हमारे गांव की जो औरतें हैं उन लोगों को सुरू रिवर है, सुरू नदी है, वहाँ पर जाना पड़ता है, जो कि गाँव से 3 किलोमीटर दूर है. तो एक मेंबर कहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए,
वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक, कि भाई सुरू रिवर से पाइप के थ्रू जो है पानी लाया जाए और एक टैंक में स्टोर करके रख दिया जाए। बट बाकी लोग कहते हैं कि ये चीज़ तो बड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, मतलब महंगी पड़ेगी, इस तरीके से पाइप लगाना और पाइप के थ्रू पानी लेकर के आना। इससे बेटर ये है कि हम लोग जो हैंडपम्प है उसको और ज़्यादा गहरा करवा दें, और जो कुएँ हैं उनको जब बारिश का मौसम आता है तो मतलब उसको हम साफ़ करते हैं ताकि कुओं में पानी आराम से भर जाए। फिर तीजिया कहता है ये भी काफ़ी नहीं होगा, फिर उसमें से हम लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि सुरु रिवर से पानी लाने में दिक्कत हो रही है, फिर हम लोग हैंडपम्प नीचा करवा दें या फिर हम लोग कुएँ साफ़ करवा दें, ये भी काफ़ी नहीं होगा। फिर उसके बाद ये वाली जो हमने पहले चीज़ पढ़ ली थी ना कि अनवर कहता है कि महाराष्ट्र के गाँव में उसने देखा था कि पानी जो है उन्होंने पेड़ लगा दिए, फिर उसके बाद उन्होंने चेक डैम्स बनवा दिए, टैंक्स बनवा दिए, इससे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हेल्प मिली है। फिर नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट आइटम, पहले पानी वाला एजेंडा देख लिया, ठीक है, रोड वाला देख लिया, फिर पानी वाला। नेक्स्ट एजेंडा जो था ग्राम एजेंडा, मतलब नेक्स्ट बातचीत जिस पे करनी थी वो थी ग्राम सभा इज़ द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन, देखिए बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग होते हैं BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। गवर्नमेंट ने ना एक लाइन बना रखी है, इन मतलब सच में नहीं है कि लाइन खींच रखी है, ऐसा नहीं है, बट एक लाइन बना रखी है जिसके थ्रू डिसाइड करती है कि कौन से लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं जो इस लाइन के नीचे आते हैं और कौन लोग अमीर हैं जो इस लाइन के ऊपर आते हैं। तो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं डिटरमाइन करने की कि कितनी कितना कोई कमाता है, उसका घर कच्चा है, उसका घर पक्का है, उसके पास ज़मीन है या नहीं है, है ना, ये सारे के सारे तरीके होते हैं। तो फिर BPL की लिस्ट में नाम आने से, अगर जिनका नाम आ जाता है ना, फिर सरकार उन्हें थोड़ी मतलब सहायता प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना जीवन यापन ढंग से कर सकें। तो फिर इसके बारे में बात चलनी होती है। तो जैसे ही BPL लिस्ट का नाम आया तो लोगों में विस्पस होने लगी, मतलब खुशफुसाहट सी होने लगी। वो बात कर रहे थे नटवर जो है, उसने अभी 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 जो है टीवी लिया है, उसका बेटा जो है नई मोटरसाइकिल भी लेकर के आया है, बट वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन में उसका नाम कैसे आ सकता है नटवर का, जबकि वो तो अच्छा खासा पैसे वाला है। सूरजमल ने भी मटर्स टू द अदर पर्सन, सूरजमल एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन से कहता है ये सारी बातें, ठीक है। सरोज सेस्ट टू सुखी, सरोज जो है सुखी से कहती है कि बिरजू का नाम यहाँ पर कैसे आ सकता है, उसके पास तो बहुत सारा लैंड है। तो मतलब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मतलब एक पर्सन है नटवर जिसके पास काफ़ी सारे मतलब अच्छा खासा मोटरसाइकिल भी है, उसके घर में टीवी भी है, तो वो गरीब कैसे हो गया भाई, है ना। फिर उसके बाद बिरजू एक और पर्सन है जिसके पास बहुत सारी ज़मीन है, वो कैसे गरीब हो गया। इन दोनों का नाम मतलब BPL की लिस्ट में कैसे आ गया, लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और इस लिस्ट में इस तरीके से देखिए यहाँ पे लोग बात बात कर रहे हैं, इस लिस्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का नाम होना चाहिए, और जबकि जो ओम प्रकाश है जो कि बहुत ही गरीब है, लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस लेबर का मतलब है उसके पास अपनी ज़मीन भी नहीं है, इतना गरीब है, उसका नाम फिर भी मतलब इस लिस्ट में नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी मतलब अच्छे से कैसे जी पाता, कुछ भी नहीं है उसके पास। फिर लोग ऐसे जैसे काफ़ी ज़्यादा बातें बातें कर रहे होते हैं, फिर सब लोग बोलते हैं कि नटवर और बिरजू जो है, नटवर कौन था जिसके पास मोटरसाइकिल थी, बिरजू के पास बहुत सारी ज़मीनें थी, इन दोनों का नाम BPL लिस्ट में था। फिर लोग बात कर रहे होते हैं कि अमीर चंद जिसने ये पूरी की पूरी, हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर, जिसने पूरी लिस्ट बनाई हुई थी ना, नटवर और बिरजू उसके दोस्त थे, तो उन्होंने नटवर और बिरजू का नाम डाल दिया था अमीर इसमें BPL लिस्ट में। क्यों डाला था? क्योंकि जो BPL लिस्ट होती है ना, इससे सरकार काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा प्रोवाइड करती है। तो सुखी बाई कहती है कि अमीर चंद जो है वो पहले कौन था, ज़मींदार था, और उसके पास अभी भी बहुत सारा लैंड है, फिर भी मतलब इसलिए उसको कोई कुछ बोलता नहीं है, तो वो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से, और उसने ओम प्रकाश का नाम डाला नहीं है। फिर सरपंच कहते हैं कि भाई एक सब क्या हो रहा है, बताइए कि क्या चल रहा है। तो सरोज जो है वो कहती हैं कि सूरजमल प्रोवोक सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बोलने की कोशिश करती है, बट वो किसके बारे में बोलती है, वो कहती है कि जो ओम प्रकाश है, वो काफ़ी सरोज बोलती है, ओम प्रकाश काफ़ी ज़्यादा गरीब है पर उसका नाम BPL लिस्ट में नहीं है। बाकी सारी फैमिलीज़ भी अग्री करती हैं कि जो ओम प्रकाश है वो काफ़ी ज़्यादा गरीब है, उसका नाम तो BPL लिस्ट में होना चाहिए। फिर सरपंच पूछते हैं कि किस तरीके से उसका नाम लिस्ट में नहीं आया। फिर जो टीचर था जिसने सर्वे किया था BPL का, वो कहता है कि जब वो ओम प्रकाश के घर गया था तो उसके घर में ताला लगा हुआ था, और हो सकता है कि वो कहीं पर काम वाम के लिए गया हो। तो सरपंच जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ओम प्रकाश की फैमिली की इनकम के बारे में अच्छे से देखा जाए कि वो कितना कमाता है और क्या गवर्नमेंट
की लिस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने जो बीपीएल लाइन बनाई है उसके हिसाब से क्या ओम प्रकाश को भी आना चाहिए उस लिस्ट में या नहीं आना चाहिए। तो मतलब सरपंच ऑर्डर दे देते हैं कि पता करो कि ओम प्रकाश की फैमिली को बीपीएल स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब यही होती है डेमोक्रेसी कि सिर्फ अमीर लोगों की नहीं चलेगी, गरीब की भी आवाज़ सुनी जाएगी। तो ओम प्रकाश का नाम भी जो वैसे चैप्टर में तो नहीं बताया गया बट आ जाता होगा फिर इस लिस्ट में, है ना। अब ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत के बारे में अब बस ज़्यादा कुछ नहीं बचा चैप्टर में। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत जो है वो रेगुलरली मीट करती है, मतलब टाइम टाइम पर मिलती रहती है और उसका मेन टास्क होता है जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ना विलेज में उनको काम मतलब काम करवाना, जैसे कि स्कूल बनवाना, सड़कें बनवाना या पानी की व्यवस्था ठीक करना, ये सारे के सारे काम जो हैं ग्राम पंचायत के होते हैं। और एज़ यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, तो अप्रूव्ड। तो जो ग्राम पंचायत होती है ना, पंचायत जो है, फिर पंचायत अपनी सारी बातें बताती है ग्राम सभा को, फिर ग्राम सभा कहती है अच्छा हाँ ठीक है ये सब होना चाहिए और फिर वो अप्रूव हो जाता है। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि जहाँ पर ग्राम सभा फॉर्म्स कमिटीज़, जैसे कि कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़, तो बहुत सारी कई ग्राम सभा ने कई सारे राज्यों में हमारे देश के उन्होंने कमिटीज़ बना रखी है कि एक कमेटी जो है वो काम देखेगी सड़कों का, दूसरी कमेटी पानी का देखेगी, तो तीसरी कमेटी स्कूल का। तो इस तरीके से कई जगह कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं, कई जगह नहीं भी होती हैं, तो इस तरीके से वो अपना काम अच्छे से करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि दो विलेज पंच थे महाराष्ट्र से जिनको अवार्ड मिला है निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था, ठीक है, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए इनको अवार्ड मिला क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपने गांव में काम किया था। अब आगे बताते हैं कि लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वॉज एबल टू डू, कि जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या कर सकती है। क्या आपको याद है जो ऑप्शंस दिए गए थे, है ना, सजेस्ट किए गए थे कि वाटर की प्रॉब्लम किस तरीके से ग्राम पंचायत में सही की जा सकती है, कि पेड़ लगा सकते हैं हम लोग, है ना, और टैंक्स बनवा सकते हैं और फिर चेक डैम्स बनवा सकते हैं, फिर कुछ लोग कह रहे थे कि जो रिवर है उसके जो पाइप के थ्रू गाँव में पानी पहुँचा दो, है ना। तो रामदास ग्राम की पंचायत की जो मीटिंग हुई थी ना उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स उठाए गए थे। इस मीटिंग को अटेंड किया था किस किस ने, सरपंच ने, वार्ड मेंबर्स ने और सेक्रेटरी ने, है ना। तो जो पंचायत की मीटिंग होती है, ग्राम सभा में तो गांव के जो 18 साल से उम्र के ऊपर के सारे लोग आते हैं, पर जो पंचायत की मीटिंग होती है ना उसमें कौन कौन होता है, सरपंच होता है, फिर बाकी जो नीचे सेक्रेटरी होते हैं, मतलब गाँव को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है और हर इलाके से अलग अलग पंच इकट्ठा वोट मतलब इलेक्ट होकर के आते हैं और एक सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी जो है वो गवर्नमेंट जॉब होती है, वो सारी की सारी मीटिंग्स की पूरा रखता है कि क्या क्या मीटिंग हुई और उसमें क्या क्या काम हुआ। तो ग्राम पंचायत के मेंबर्स जो हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं, डिस्कस द सजेशन टू डीपन टू हैंडपम्प्स, तो वो क्या करते हैं कि भाई दो हैंडपम्प जो है उनको गहरा कर दिया जाए और एक वेल को मतलब एक कुएं को साफ कर दिया जाए ताकि जो विलेज के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े पानी लेने के लिए। सरपंच, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि पंचायत को कुछ पैसा मिला है सरकार से तो इससे हैंडपम्प्स वगैरह सही करवा दिए जाएंगे, वो पैसा इस काम में इस्तेमाल हो जाएगा। और सेक्रेटरी ने ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली और मेंबर्स जो थे फिर डिस्कस करने लगे कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि किस तरीके से पानी की कमी हो ही ना। तो फिर वो श्योर थे कि ग्राम सभा के मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे इसके बारे में हमसे नेक्स्ट मीटिंग में। तो सम पंच जो थे, कुछ पंच या फिर पंच को ही हम वार्ड मेंबर भी कहते हैं, उन्होंने कहा कि वाटरशेड प्रोग्राम जो है वो करवाया जाए क्योंकि वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल, मतलब आप पेड़ लगा दो, आप डैम्स बनवा दो, उससे क्या होगा कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन के अंदर पानी चला जाएगा। तो काफ़ी सारा डिस्कशन इसके बारे में हुआ और एंड में डिसाइड हुआ, ग्राम पंचायत ने कहा कि हम लोग BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ही काफ़ी अच्छा ऑफिस, काफ़ी बड़ा ऑफिसर होता है उसके, उससे हम लोग ये जो स्कीम थी ना वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, कौन सी स्कीम थी, जो एक पर्सन था गांव में, है ना, अनवर, उसके भाई का गांव था महाराष्ट्र में, वहां पर उन्होंने वाटरशेड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया था। तो इसके बारे में ग्राम जो पंचायत थी उसने कहा कि हम लोग अपने आगे जो ऑफिसर होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उससे बात करेंगे इसके बारे में कि ये सब कैसे किया जा सकता है। अब हम लोगों को बोला गया है कि तीन लेवल्स होते हैं पंचायत के, कौन कौन से होते हैं, हम लोग ने ग्राम पंचायत के बारे में देखा, ठीक है, हैपन इन द ग्राम पंचायत एंड द ग्राम पंचायत इन हरदास विलेज। तो आप लोग समझ सकते हैं कि पंचायत का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है, ये लोग हम लोगों ने देख लिया, और किस तरीके से
पंचायती राज सिस्टम इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट. लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके से गांव के लोगों के साथ मीटिंग नहीं हैंडल करती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट पंचायत करती है. सारे के सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. तो पंचायती राज जो है इज द फर्स्ट ईयर और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है कि सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट करें, तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं. पंच जो होते हैं, पंच हो गए और ग्राम पंचायत. पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा. मतलब जो ग्राम जो पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, उनको आंसर देना पड़ता है किसको, लोगों को, ग्राम सभा को, जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है. ग्राम सभा मतलब गाँव के लोग जो है वही तो वोट दे करके इलेक्ट करते हैं पंच और सरपंच को, है ना. तो उनको जवाब देना पड़ता है कि भाई पानी के बारे में आपने क्या किया, सड़क के बारे में क्या किया, है ना, ये सब. तो आइडिया जो था लोगों के पार्टिसिपेशन का पंचायती राज में, वो और दो लेवल, ये तो हमने बिल्कुल गांव के बेसिक लेवल पे बात करी, ठीक है, ग्राम सभा वाली. एक होता है ब्लॉक लेवल, जिसको हम लोग जनपद पंचायत भी कहते हैं या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं, ठीक है. तो सेकेंड लेवल पर हमारा ब्लॉक लेवल आ गया या फिर पंचायत समिति आ गया. पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट. अबव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर ज़िला परिषद, ठीक है. ज़िला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट विद द हेल्प ऑफ. तो क्या होता है इसमें, देखिए यहाँ पर ये है, सबसे नीचे हम लोगों की क्या होती है, सबसे पहले आती है हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, ग्राम पंचायत होती है. फिर उसके बाद हम लोगों की क्या होती है, ब्लॉक लेवल होता है, ब्लॉक लेवल पे. और सबसे ऊपर जो होती है हमारी, वो होती है ज़िला परिषद, ठीक है. तो सबसे ऊपर ज़िला परिषद, तीन लेवल्स होते हैं. तो जो दूसरा लेवल होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, जिसको हम लोग जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं. इसमें क्या होता है ना, देखिए जो नीचे होती है सबसे पहले ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत में ना एक या दो या तीन गांव आते हैं, बट पंचायत समिति जो होती है ना, तीन लेवल, सेकेंड लेवल पे पंचायत समिति, इसमें ना बहुत सारे गांव आते हैं. पंचायत समिति में ना काफ़ी ज़्यादा गांव आते हैं. और टॉप पे होता है सबसे ज़िला परिषद, ज़िला परिषद, ठीक है. मतलब तीन लेवल गवर्नमेंट तो थे ही, जो थर्ड लेवल थी ना लोकल लेवल, लोकल लेवल में भी ये तीन लेवल और उसके बटे हुए होते हैं. लोकल लेवल में भी और तीन लेवल होते हैं. सबसे उसमें सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर ज़िला परिषद. इसमें काफ़ी सारे गाँव आते हैं. और जो ये ज़िला परिषद होती है ना, एक पूरा जो ज़िला होता है उस ज़िले में बहुत सारे गाँव आते हैं, उस ज़िले के सारे गाँव ज़िला परिषद में आते हैं. इस पंचायत समिति में जैसे कि इधर वाले सारे गाँव आ गए, फिर दूसरी पंचायत समिति में इधर वाले सारे आ गए, तीसरी में इधर वाले सारे आ गए, ऐसे करके. और ये सारे के सारे गांव जो हैं वो जिला परिषद में आते हैं. तो इस तरीके से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीन लेवल फिर से हमारे बन जाते हैं, ठीक है, ये बताया गया है. और ज़िला परिषद जो है वो सारे के सारे डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बाकी सारे के सारी ज़िला परिषद सारे प्लान बनाती है और फिर सारे के सारे इम्प्लीमेंट हो जाते हैं ग्राम पंचायत तक, ठीक है. और मनी पैसा देना, ये भी किसका काम होता है, ज़िला परिषद का. रेगुलेट करती है ना ज़िला परिषद सारे के सारे की किस तरीके से ग्राम पंचायत को पैसे दिए जाएंगे. मतलब जो ज़िला परिषद है ग्राम पंचायत को कितने कितने कैसे कैसे पैसे दिए जाएंगे, ये ज़िला परिषद डिसाइड करती है. तो विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बताया गया है कि किस तरीके से पंचायतों को पैसा दिया जाएगा, हर स्टेट कैसे पंचायतों को पैसा देगी, उस हिसाब से ही पैसा उनको दिया जाता है. और काम कैसे करेगी, वो भी हमारे संविधान के हिसाब से ही काम करती है. आइडिया ये है इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइसेस. तो पंचायत में ग्राम सभा लगती है, हर एक इंसान आकर के अपनी दिक्कतें रख सकता है उनके सामने. तो आइडिया यही है कि किस तरीके से हर किसी को आवाज़ मिले कि वो अपना काम करवा सके, अपनी दिक्कत बता सके और कह सके कि ये काम मतलब होना चाहिए. तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट. कैसा